हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और कहाँ कहाँ घूमते हैं पता नहीं। जाएंगे कहीं घूमने तो दिखाएंगे आप लोग को। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और निकलने वाले हैं, बस रेडी हो गए हैं। और ये रहा गाड़ी, स्कूटी में घूमने वाले हैं। बाबू बाय बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं आप लोग से बाद में। वीडियो में बने रही कंटिन्यू। हेलो गाइस, और हम लोग पहुंच चुके हैं सुनमेर, और ये भाई हाय। और अभी जाते हैं, पूजा का सामान वामान ये करवाते हैं, फिर निकल जाएंगे। और इधर बहन लोग, दीदी लोग, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? और आते हैं, आज तो भीड़ उड़ नहीं है, खाली है। हम लोग के लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है कि खाली है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा पूजा वूजा अच्छे से। मन्नत मांगेंगे तो जल्दी पूरा कर दे भगवान। देवी माँ से यही बोलेंगे, और हम लोग का सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए। हाँ, देवी माँ की कृपा से। और एक दीदी उधर है। कंटिन्यू वीडियो में बने रहे। हम लोग का पूजा का थाली लग गया, देखिए। इसमें बहुत सारा सामान है, नारियल है, अड़हुल का फूल है, और ये है गेंदा फूल है, और बेल पत्ता है, ये सिंदूर है, मिठाई है, चटनी वाला अगरबत्ती है, और ये हाथ बांधने वाला धागा है, क्या बोलते हैं उसको, माचिस है, अरवा चावल है, देखिए। वो घर से लाए हैं ना? घर से नहीं, नहीं लाई है, नहीं। और ये पान पत्ता है। चलो तो, हेलो दोस्त, हम लोग का सारा सामान तो रेडी हो गया है। रुके रुके रुके, जो बड़ा है उसको बड़ा गिलास मिलेगा। हाँ, हम ही बड़ा है, कैमरा वाला को बड़ा वाला गिलास मिलेगा। हम ही बड़ा है ना? हाँ। लग रहा है बड़ा मिलेगा। इसमें दो दे दिए, गिलास नहीं है, सिलेक्ट दे दिए। कौन दो आदमी है, आप ले लीजिए। अच्छा ना है, नहीं गिरेगा, बड़ी है सबसे ना। हाँ, और छोटी भी है, बड़ी है लेकिन छोटी है, इसीलिए इसका दो मिल गया। चलो, बढ़िया है। ये बाप रे, आप तो बड़ा लेंगे बोले तो छोटा लेके जा रहे हैं। नहीं, सही है मेरा यही। हम लोग मंदिर के में प्रवेश कर रहे हैं, और देख सकते हैं पूजा का थाली लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो में ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा से बना दिए हैं, ग्रिल लगा के घूम घूम के जाना हो रहा है। जरूर जरूर आ रहे हैं। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और मंदिर में घुसने के बाद थोड़ा अलग महसूस होता है, ठंडा ठंडा मौसम इस टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में घुसने के बाद। और दीदी लोग काँप रही है ठंडा से, पैर भी हिल रहा है, पहले ठीक था, अभी इसका थाली भी है। वो बहुत तगड़ी ठंड है उस्ताद, ठंडा लग रहा है। मंदिर में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कभी आइएगा और देख लीजिएगा, महसूस कीजिएगा। और यहाँ जो भी मन्नत उन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरा हो जाता है।
मंदिर के अंदर कुछ इस प्रकार का। आप कोई चीज़ इच्छित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुर्गालय खाना होगा और इच्छा पूरी होने के बाद आप मकरा दे सकते हैं। वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। मकरा का चढ़ावा देते हैं, उस कटता है क्या ची? हाँ और यहाँ जो गच्छित करते हैं वो मुर्गा चराते हैं, पहान जी देख सकते हैं। सुनमेर मंदिर जो काफ़ी प्रचलित है, यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। काफ़ी लोगों का मन्नत पूरा हो चुका है और हम लोग भी आए हैं दर्शन करने देवी माँ का। देख सकते हैं देवी माँ का दर्शन कर चुके हैं हम लोग और अभी बाहर निकले हुए हैं और यहाँ थोड़ा घूमेंगे फिर घर की ओर निकलेंगे। और इधर भी अच्छा सा मंदिर बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा पेंटिंग लग रहा है और बहुत खूबसूरत बनाया है, डिजाइन दिया गया है, एक सुनमेर मंदिर का है। और सुनमेर मंदिर देख सकते हैं साइड से इस टाइप का दिखता है। हेलो गाइस, यहाँ भैया है जो यहाँ सामान मान ये लगा देते हैं और भैया से मिलिए, कभी भी आइएगा तो भैया से मिलिएगा। दो तीन बार बोलिए। यहाँ दुकान है, प्रसाद दुकान का, यहाँ सब तरह का जैसे मन्नत मांगते हैं तो सब तरह का मनोकामना पूरी होती है। और जैसे गाड़ी पूजा हुआ और हर एक प्रकार का कोई भी अपना मन्नत मांग सकता है। और यहाँ भैया जी थाली उली लगाते हैं, प्रसाद प्रसाद देते हैं हम लोग, प्रसाद देते हैं पूजा करने के लिए। और कभी भी आइएगा आप लोग तो भैया से ज़रूर मिलिएगा। मंदिर का फ्रंट साइड में भैया का दुकान है। जैसे गाड़ी पूजा हुआ उसके लिए अलग देते हैं, जैसे बकरा बलि के लिए सिंपल पूजा, कोई चीज़ का मन्नत उन्नत करते हैं इच्छा पूरी करना चाहते हैं उसके लिए अलग से देते हैं और सिंपल के लिए अलग से देते हैं। और देख सकते हैं, बता दीजिए सुनमेर मंदिर का। सुनमेर मंदिर का ये जैसे मंदिर का सामने दुकान है, मंदिर का फ्रंट में दुकान है, कभी भी आइएगा भैया से संपर्क कर लीजिएगा। कोई किसी तरह की दिक्कत होता है हमसे जानकारी ले लीजिएगा, हम बता देंगे। अब सुनमेर मंदिर को टाटा बाई करने का समय आ गया है। अब सुनमेर मंदिर से निकल चुके हैं, देख सकते हैं बाहर का गेट। और दीदी कहाँ ढका गई, कहाँ गई तो पता नहीं चल रहा, वीडियो में आ रही। और इधर भाई लोग दीदी लोग अब निकलते हैं, अब सोचे हैं पतरातू जाएंगे, लतरातू और मिलते हैं लतरातू डैम में। चलिए बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं लतरातू डैम और डैम के अंदर, हाँ चेहरा उड़ा आएगा और घूम रहे हैं हम लोग, क्या ही बताएं, अंदर घुसने भी नहीं दिया।
बाहर बाहर दिखाएंगे आप लोग को। और वैसे कुछ बना नहीं है, पार्किंग का जो शुल्क है उसको बढ़ा के डबल कर दिया है, और उसमें और एंट्री फीस भी ज़्यादा कर दिया है, और क्या ही घुसे ना देखने के लिए कोई अच्छा चीज़ है नहीं, सबको तोड़ फोड़ दिया है। और दिखाते हैं बाहर से जो दिखेगा, बोट उट चल रहा है पर जाते हैं डैम की ओर, देखते हैं पानी यहाँ का कितना ठंडा है गर्म है, चेक कर लेते हैं। लतरातो डैम का व्यू आप लोग देख सकते हैं, और न्यू ईयर में काफी सारा यहाँ गंदा करके पब्लिक लोग चल गया है, खाया पिया फेंक रखा कचरा इधर उधर। पानी साफ लग रहा है, दूर से दिखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है पर पानी साफ है। अब हम लोग का अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, देख सकते हैं अभी टाइम हो गया 1 बज गया और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और खाने में देखिए रोटी और आलू भुजिया, दही बूंदिया भी है, प्लास्टिक निकालो पानी सब कुछ बाद। सब कुछ मतलब सब कुछ ले आए हैं। और इधर दीदी लोग, इधर भाई और दही बूंदिया सबसे ज्यादा खादुड़ है सबको ही खादुड़ है, नहीं खाएंगे तो भी रखो। ठेकुआ भी आएगा एक बार, और ठेकुआ भी है, ठेकुआ सेव और बोट भी चल रहा है डैम में। हम लोग बस बाहर से मजा ले रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है इसीलिए हाँ जरूर जरूर सपोर्ट करिए और प्यार दिखाइए ढेर सारा। खाने स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोग से थोड़ा देर के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। लतरातू से निकलने वाले हैं और मिलते हैं आप लोग को, क्या बोलते हैं साई मंदिर ना, साई मंदिर में मिलते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं साई मंदिर और देख सकते हैं साई मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, और पहुंच चुके हैं साई मंदिर में, साई बाबा का दर्शन करने आ चुके हैं। और यहाँ का टेंपल बहुत अच्छा है, यहाँ का प्लेस बहुत अच्छा से बनाया है, आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, फूल वूल लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और क्या क्या फूल सब है हमको तो मालूम भी नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, और ये दीदी लोग ओके आओ जल्दी।
फोटो शूट भी चल रहा है बहुत जोर से उसे। चलिए कर लीजिए, अच्छा है और काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा है यहाँ की जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। फूल का वैरायटी एक नंबर है, देख लीजिए एक से एक वैरायटी के फूल हैं। गुलाब फूल तो नहीं है, गेंदा फूल हैं और क्या क्या है मालूम भी नहीं, पर देख सकते हैं। आप लोग पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। और क्या ही बताया यार, यहाँ का जगह बहुत अच्छा लगा। और साईं बाबा का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये किया है, फूल लगाया है बाग में। आइएगा कभी देखने के लिए। यहाँ वाला बहुत काफी अच्छा लगा, यहाँ घोंसला भी बनाया है। हम लोग को भी डांस करने का पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ नंदी महाराज जी विराजमान है, मजा आ रहा है। और दीदी लोग फोटो तो बहुत खिंचा रहे हैं। चौदह जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर में यहाँ मेला लगता है शिव जी के मंदिर में घाघारी में। आप लोग कभी आइए और यहाँ घूमिए फिरिए, बहुत अच्छा लगता है, जगह बहुत अच्छा है।
बहुत मजा आया। भाई साहब फोटो खींच दे रहे तो ये लोग मार डालेंगे। चलिए घाघारी को अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस, जहां घूमने के लिए देखने के लिए अच्छा लगे वहां आप लोग को भी घुमाएंगे फिर आएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हेलो गाइस, अब हम लोग घर जा रहे हैं और यही तक वीडियो एंड करते हैं और एक बार सबको बोल दीजिएगा बाय बाय और सब्सक्राइब शेयर के लिए बोल दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय झारखंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।